नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज के सेशन में आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी टीम परीक्षा प्लस के द्वारा लाई गई है। एक खुशखबरी कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा दी गई है, वो खुशखबरी कहीं ना कहीं SSC GD से संबंधित है और आप सभी उसके बारे में वाकिफ होंगे। जिन तक अभी ये खबर नहीं पहुंची है, मेरे माध्यम से ये खबर पहुंच जाए और इसके बारे में एक डिटेल जानकारी, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या पूछा जाता है, क्या कट ऑफ जाता है, कहाँ पे कमियां होती हैं, क्या हमें कमियां सुधारनी होती हैं, गलतियां क्या नहीं करनी है, और एक बहुत ही व्यापक रणनीति, बहुत ही सटीक रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि इस बार जो सिलेक्शन है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से 100% श्योर हो जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आगे बढ़ते हम लोग इस सेशन में। SSC GD 84,400 पद लगभग आ रहे हैं। अभी कल संसद में कहीं ना कहीं सरकार से एक क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने भर्ती को लेके, वो भी CAPF में जितनी भर्तियां हैं जो बल यहां पे हैं, उनमें से कितने पोस्ट की जानकारी ली गई, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि टोटल 10,05,779 पद में से 84,405 पद इस बार रिक्त हैं। यह भी बताया कि एक वैकेंसी SSC GD की 25,000 वाली चल रही है और ये सारी वैकेंसियां भी अगले साल यानी कि 2023 दिसंबर तक संपन्न करा ली जाएंगी। आपको बता दूं कि SSC के द्वारा इस बार कैलेंडर में दिसंबर के माह में SSC GD का फॉर्म फिर से आना है और उस फॉर्म के बाद करीबन मार्च में आपकी परीक्षा आयोजित होनी है, जो मैं अभी आपको यहीं पे दिखा दूंगा। तो SSC के कैलेंडर के अगर हम सोर्स को ले, हम यहां पे जो संसद में बात कही गई है सरकार के द्वारा, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने भी ये बोला था कि प्रत्येक साल हम इतने वैकेंसी, लगभग इतने ही रोजगार हर साल हम देंगे और उस पे वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई बच्चे होते हैं जो अभी भी इसमें नेगेटिविटी ढूंढते हैं कि ये तो बस कहने वाली बात है, ऐसा है वैसा है, और कई बच्चे होते हैं अपनी तैयारी शुरुआत कर देते हैं। देखो, अगर आपका दिसंबर में फॉर्म निकलेगा तो मार्च में, फरवरी में अगर आपका पेपर होता है तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा। 2 महीना भले ही वैकेंसी बहुत ज्यादा है, बट कॉम्पिटिशन के लेवल को देखा जाए तो हर बार, अभी जब पिछली बार 25,000 वैकेंसी थी तो 80-80 नंबर कट ऑफ गए थे जनरल को। मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन में से 100 नंबर में से निगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है उस पे भी, तो 80 नंबर बहुत होते हैं। नो डाउट कि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, 84,000 बोल रहे हैं। कट पिट के हर चीज देखा जाए तो भी आपके 60,000 से 65,000 वैकेंसी, 50,000 प्लस ही वैकेंसी आपके सामने आने वाली है और कट ऑफ जाहिर सी बातें नीचे जाएगी। लेकिन ये मत भूलें कि जैसे जैसे वर्ष बीतता जाता है वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता है और वैसे वैसे कट ऑफ आसमान छूते जाते हैं, ये बात सभी को पता होनी चाहिए। खैर, हम इस वैकेंसी के बारे में सारी खबर आप लोग पढ़ लोगे, कटिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ये जो संसद के द्वारा उनकी जो फाइल थी, उनमें जो क्वेश्चन था, उन्होंने बताया है कि जो असम राइफल्स है उसमें 65,000 पद जो टोटल हैं, उनमें से 9,659 पद इसमें हैं। BSF यानी कि बॉडी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उनमें से 19,254, और CRPF, BSF और CRPF में सबसे ज्यादा, एक में 19,254, एक में 29,985, मतलब 30-20-50,000 पद तो केवल यहीं पे खाली हैं। पिछली बार CRPF में कोई पद ही नहीं था, इस कारण से वैकेंसी 25,000 ही रह गई थी, और NIA में भी नहीं था, इस बार भी NIA का यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन फिर भी आने का, जब जब आगे बढ़ेगा, प्रक्रिया पूरी होगी, तो SSC GD में इस बार उसके भी अच्छे खासे पद आने की संभावना पूर्ण जताई जा रही है। तो यहां पे देखें, ITBP में 3,187 है, SSB में देखा जाए तो 11,000, ये भी अच्छे खासे पद हैं, ठीक है ना। टोटल 84,400 पद, 5 पद हैं। CISF में भी इस बार 10,918 यानी कि 11,000 पद है। तो टोटल 84,405 वैकेंसियां जो वैकेंट हैं, जो पोस्ट वैकेंट हैं, उन्हें भरा जाना है। कब तक भरा जाना है? दिसंबर 2023 तक। द गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू फिल अप एग्जिस्टिंग वैकेंसीज इन CAPF बाय दिसंबर 2023। तो 2023 तक ये संपन्न करा लेंगे। और इसमें मैं बता दूं कि 25,271 जनरल ड्यूटी की जो कांस्टेबल है, ये ऑलरेडी बीन कंडक्टेड इन्होंने कहा है, लेकिन ये फिर से कराई जाएगी। और जो 2022 की जो SSC GD है, 2023 वर्ष के लिए, 22-23 वर्ष के लिए, उनमें ये सारी सम्मिलित की जाएंगी और ये सारे CAPF के अंतर्गत आते हैं। टोटल यहाँ पे 6 है, लेकिन आपके पास टोटल 8 होते हैं। यहाँ पे NIA और SSF का नाम नहीं दिया हुआ है, SSC हर बार उनका भी कराती है, और जब वैकेंसी आएगी, आने वाले 4-5 महीने हैं, वहां से भी अधियाचन, वहां से वैकेंसीज के डिटेल्स होंगे, वो आपके
जब फॉर्म भरोगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि इतनी वैकेंसीज इसमें हैं। खैर आते हैं, जब एसएससी जीडी की बात होती है तो ये डिटेल आपने देख ही लिया है, सरकार के द्वारा स्वीकृत पद जो है और वैकेंसी है, इसके बारे में आपको बता ही दिया हूं। दो पद जिनकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है वो कौन से हैं आप देख लीजिए, एक आपका एनआईए है और एक आपका एसएसएफ है। यहां पर भी कुछ ना कुछ वैकेंसियां आएंगी तो ये टोटल बढ़ के लगभग 90,000 प्लस जाएगा और इनमें से भी कटेगा पिटेगा तो 70,000 वैकेंसी आप सेफ मान के चलो, ये बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी में फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत होती है, 60 से 70 लाख होती है। पिछली बार भी 25,000 वैकेंसीज के लिए कम से कम 70 लाख फॉर्म पड़े थे और 3 स्टेजेस में एग्जाम होते हैं। एग्जाम के बारे में हम लोग इसकी जानकारी ले लें। सबसे पहले तो यह बता दें कि इस बार जो सीएपीएफ जो एसएसएफ और राइफल मैन जीडी इन असम राइफल्स में एग्जामिनेशन 2022 का होना है, इसका जो एग्जाम डेट है वो 10 सॉरी जो फॉर्म फिलिंग डेट है 10/12/2022 से स्टार्ट होगा और जो लास्ट डेट है वो 19/1/2023 है। आप देख सकते हो कि 30 दिन लगभग पूरा का पूरा दिया जा रहा है और अगर आप जनवरी में फॉर्म भरते हो जाके तो आपका मार्च अप्रैल में परीक्षा करवा लिया जाएगा, मतलब आपके पास फरवरी ही महीना बचेगा, थोड़ी फरवरी थोड़ा जनवरी, मतलब फरवरी पूरा थोड़ा जनवरी और थोड़ा सा मार्च। तो कायदे से क्योंकि इसमें फॉर्म ज्यादा होते हैं, बच्चे जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं तो इनके जो पेपर्स होते हैं वो 54, 55, 52, 60 शिफ्ट में पेपर करवाए जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारा शिफ्ट में पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत अच्छा खासा होता है, तो ये आपके कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किस्मत पे भी डिपेंड करता है और आपकी पढ़ाई पे तो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ये बात आप समझते हुए चलना। एज क्या होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं तो मैं एज की जानकारी आपको दे दूं। जो एज होना चाहिए ये 3 है, जनरल के लिए जो 18 से 23 है, ओबीसी के 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है 18 से 26 और जो एससी एसटी होते हैं 18 से 28 होता है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहां पे आपको एज का रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल का, लेकिन उनका जो एज होता है जो उनका वर्किंग एज होता है उसे माइनस करने के बाद किया जाता है। और जो डेट लेगा अगर यहां पे तो 1 दिसंबर से डेट लेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, एसएससी या तो जुलाई या तो दिसंबर से लेता है तो उसी हिसाब से ये 1 दिसंबर से आपका डेट एक्रू करेगा। देख लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर कैसे होता है, पेपर बेस्ड होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है। पहले पेपर ऑफलाइन होता था लेकिन गत वर्षों से आपका अब पेपर ऑनलाइन ही होगा और इसी कारण से मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है और इसका खामियाजा मैं आपको पहले भी बता दिया हूं, नॉर्मलाइजेशन होता है और एसएससी का नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा घातक है, ये एसएससी के बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप एसएससी की परीक्षा देते आए हो तो आप उससे वाकिफ हो गए, अगर नहीं देते आए हो तो जो मैं बात बता रहा हूं इसे आप अभी दिमाग में रख लो, इस हिसाब से आपको तैयारी करती जानी है। एग्जामिनेशन का लैंग्वेज क्या होता है, वैसे तो इंग्लिश और हिंदी होता है, आपको नोटिफिकेशन में लोकल लैंग्वेज की भी जानकारी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, 3 स्टेजेस में होंगे, एक आपका कंप्यूटर बेस्ड ये रिटन एग्जाम कराया जाएगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल में आपका सबसे पहले आपकी दौड़ होगी तो वो फिजिकल एफिशिएंसी जिसे आप रेस बोलते हो, रेस के लिए मैं आपको बता दूं यहीं पे जानकारी दे दूं कितना आपको रेस चाहिए, तो जो मेल होते हैं उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में और जो फीमेल होती है उन्हें 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई लद्दाख रीजन का है तो उनके लिए छूट होती है, उन्हें 1.6 किलोमीटर ही 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में महिलाओं के लिए होता है। तो ये आपका जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसके बाद होगा, फिजिकल एफिशिएंसी के बाद, रेस के बाद, और इसमें स्टैंडर्ड टेस्ट में 2 चीज होता है, एक आपका चेस्ट नापा जाता है, एक आपका हाइट नापा जाता है। तो हाइट जनरल की वैसे 170 मानी जाती है, ली जाती है, और चेस्ट जो होता है 80 होता है बिना फुलाए, फुलाने के बाद 5। हालांकि इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है चेस्ट में तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, महिलाओं के लिए कोई भी चेस्ट का माप का वो नहीं है, फिर भी ये देखा जाता है कि उनका जो चेस्ट है वो प्रॉपरली विकसित हुआ है कि नहीं, ये आपको नोटिफिकेशन में वहां पे दिया लिखा मिलेगा एसएससी के द्वारा जो किया जाता है। एसएससी का काम केवल पेपर कंडक्ट कराना है, बाकी जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, जो आपका पीईटी और पीएसटी बोलोगे, मेडिकल बोलोगे, ये सारे ही जो सीएपीएफ के अंतर्गत अन्य अन्य जो यहां पे सशक्त बल है वो करवाते हैं, अपने स्तर पे करवाते हैं, तो यहां पे एसएससी का रोल खत्म हो जाता है। एसएससी का रोल केवल रिटन एग्जाम यानी कि सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन तक रहता है, उसका रिजल्ट डिक्लेयर तक करने का रहता है। मैं आपको बता दूं कि टोटल वैकेंसी जितनी होती है उसका 2 से 3 गुना किसमें बुलाए जाते हैं, मेडिकल में बुलाए जाते हैं, है ना, और उससे पहले जो करीबन 10 गुना होते हैं वो आपके किसमें, रेस में बुलाए जाते हैं। तो रेस से जब आप
टोटल जितना आप भरोगे उनमें से 10 गुना बच्चे होंगे वो रेस के लिए बुलाए जाएंगे और उनमें से 2-3 गुना बच्चे बाकी जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके लिए बुलाए जाते हैं और इनमें से भी बाकी केवल 1:1 में लिया जाता है, 2/3 रेशियो क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, आधा या 2/3 रेशियो क्या हो जाता है जैसे मिलेंगे वो हट जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये लंबी प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं एक फिजिकल भी है बट कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनेशन का प्रोसेस देखें तो ये बहुत आसान है। उससे पहले देख लें कि अगर आप पास हो जाते हो, आप सब कुछ पास कर लेते हो, 3 स्टेज क्लियर कर लेते हो तो कहां पे आपको जॉब करने को मिलेगा। तो ये अक्रॉस नेशन पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हो अपने पसंदीदा पे। वहां पे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी फिल करवाता है कि किस में जाना चाहते हो, सीआरपीएफ में जाना चाहते हो कि बीएसएफ में जाना चाहते हो कि एसएसएफ में जाना चाहते हो या फिर जनरल ड्यूटी या नॉन जनरल ड्यूटी, दोनों वाले अलग कैटेगरी होते हैं। वहां पे आपको भरना होता है कि आप क्या लेना चाहते हो, ठीक है, उस हिसाब से, और मार्क्स जैसे आपके होते हैं वैसे आपकी प्रायोरिटी मिलती रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बता दूं, केवल अगर आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, 10वीं के अलावा कुछ नहीं लिया जाता है और ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है। जितने ऐसे बच्चे जो अभी नए तैयारी करना शुरुआत की हो, एक कहावत है कि जब भी बच्चा अपनी तैयारी शुरुआत करता है तो वो एसएससी की परीक्षा से तैयारी करता है, और एसएससी की किस परीक्षा से तैयारी करता है, एसएससी के जीडी से और एसएससी के एमटीएस और सीएचएसएल से। तो अगर आप इस दुनिया में आ रहे हो जिसमें आप प्रिपरेशन की दुनिया, तैयारी की दुनिया आप बोलते हो, तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है वो आपका एसएससी जीडी का होता है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं कि सबसे आसान तरीके से भी इसमें नौकरी ली जा सकती है। तो बस आप बिगनर हो तो हमेशा बिगनर लग भी चलता है आपके तुरंत ही, यहाँ पे बहुत पहली बार अगर हो तो बहुत जबरदस्त लक लेके आए हो, बहुत बम्पर भर्ती आई है। और इसमें मैं आपको पैटर्न बता दूं एग्जाम का, तो ये एग्जाम का पैटर्न देखो कितना आसान है। एसएससी के सारे एग्जाम में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है 25-25-25-25 चार सेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं क्योंकि इनका रोल टाई ब्रेकअप रूल में भी होता है। टाई ब्रेकअप रूल में ये मतलब हो गया कि अगर कोई दो बच्चा नॉर्मलाइजेशन के बाद सेम मार्क्स पाता है तो उसमें जिसका पार्ट ए और पार्ट बी में नंबर ज्यादा होगा पहले पार्ट ए देख लिया जाएगा, पार्ट ए में भी बराबर है तो पार्ट बी देख लिया जाएगा, जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जबकि उससे कम वाले को उससे कम प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसका रोल यहां पे पार्ट वाइज भी रोल बनता है। पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है, 90 मिनट का होता है, 60 मिनट प्लस 30 मिनट, 25 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक सेक्शन में, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग होगा, जो इसका लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है, मैं आपको बता दूं, है ना। आप अगर पेपर कभी नहीं देखे हो तो मैं बता दूं रीजनिंग में बेसिक क्वेश्चन जैसे पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, वेन डायग्राम हो गया, और पहले मैट्रिक्स पूछता था, मैट्रिक्स नहीं पूछता, हालांकि फिर भी एक दो शिफ्ट में कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो ऐसा नहीं इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपका एनालॉजी पे क्वेश्चन पूछता है, सीरीज पे क्वेश्चन पूछता है, वर्ड एनालॉजी पे पूछता है, डिक्शनरी वर्ड पे पूछता है, अरेंजिंग ऑफ ऑर्डर पे पूछता है डिक्शनरी के, और उसके बाद फिर आपका जो नॉन वर्बल होता है फिगर बेस्ड होते हैं डाइस पे और क्वेश्चन पूछ लेता है, और पूछ लेता है फिगर सीरीज जो होता है उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो एसएससी का फिक्स पैटर्न है। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बता दूं रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, केवल आप एसएससी के प्रीवियस ईयर आप प्रैक्टिस कर डालो। यहां पे आपको मैं बता दूं कि निशुल्क की तैयारी करवाई जाएगी इस पूरे सेशन में। यह बात आपको मैं बता दूं कि पूरा का पूरा जो आपकी एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जानी है वो टीम परीक्षा प्लस पूर्णता निशुल्क करवा रही है। इसमें कोई भी ऐसा शुल्क नहीं लिया जा रहा है, वो प्रत्येक सेक्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जनरल नॉलेज हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका इंग्लिश हो, सारी हिंदी हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ाए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये सारे के सारे फ्री परीक्षा प्लस ऐप पे पढ़ाया जाएगा। तो परीक्षा प्लस ऐप आज ही आप डाउनलोड कर लो, उसे इंस्टॉल कर लो, है ना, और वहां पे आप एसएससी जीडी के कोर्स में जुड़ सकते हो। मैं आपको बता दूं कि वहां पे आप व्यू डिटेल्स में जाओगे, व्यू डोमेन में जाओगे तो सारी क्लासेस आपकी क्या लगी रहेंगी, फ्री लगी रहेंगी, वहां पे एक भी आपका शुल्क नहीं रहेगा। क्लासेस की बात मैं कर रहा हूं। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होता है, एसएससी की जीएस सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। कारण इसका यह होता है कि 54-55 स्क्रिप्ट में होता है, तो इनके पास क्वेश्चन बैंक बहुत लंबे होते हैं। किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपको आसान क्वेश्चन मिल रहा है या फिर रिलेवेंट क्वेश्चन मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कम बच्चों के इसी सेक्शन में होते हैं, लेकिन टीम परीक्षा प्लस के साथ आप जोड़ोगे तो बहुत ही अनुभवी टीचर और कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि कैसे इस सेक्शन में आपको स्कोर करना है।
बाकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसमें ज्यादा आपका अरिथमेटिक पोर्शन होता है, एडवांस पोर्शन बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर सिस्टम में भी आपका एलसीएम एससीएफ और आपका डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होता है, आपके रिमाइंडर थ्योरम यूनिट डिजिट ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, मतलब बेसिक मैथ पूछता है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी ये ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो इंग्लिश लो, आप चाहो तो हिंदी लो। यहां पे सबसे अच्छी बात है आपको, जैसे कुछ हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य वाले जो बच्चे हैं, राजस्थान, ये हिंदी में कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। बाकी जैसे कुछ साउथ इंडियन होते हैं या फिर कुछ एकदम नॉर्थ इंडियन है या कुछ नॉर्थ ईस्टर्न है, वो अपने आपको इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करो आप वो ले सकते हो। मैं आपको बता दूं दोनों में क्वेश्चन पूछने का तरीका लगभग सेम है। आप इंग्लिश में देखोगे तो उसमें भी एरर डिटेक्शन पूछता है, हिंदी में पूछोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है ये पूछता है, वर्तनी पूछता है, वहां पे करेक्ट स्पेलिंग पूछता है, यहां पे आपसे सिनोनिम्स पूछेगा, वहां पे आपसे विलोम और पर्यायवाची पूछेगा, यहां पे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछेगा, यहां पे भी आपके रिक्त स्थान की पूर्ति पूछेगा, वहां पे फिलर पूछेगा, यहां पे सेंटेंस करेक्शन पूछेगा, वहां पे बोलेगा कि वाक्य को शुद्ध करके दीजिए और वाक्य को प्रतिस्थापित भी कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो यहां पे वर्ड रिप्लेसमेंट या स्टेटमेंट रिप्लेसमेंट का भी क्वेश्चन इंग्लिश होता है। बाकी जैसे इंग्लिश में 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट होता है, ऐसे ही 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट आपको हिंदी में मिलेगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के ही पेपर एकदम बराबर होते हैं। आप अगर हिंदी भाषी के हो तो हिंदी वाले ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे, इंग्लिश भाषी हो तो इंग्लिश में ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ये गलती आप मत करना। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं हिंदी ले लो किसी भी राज्य के हो, नहीं, अगर आप अपने राज्य के हो, आप यहां ज्यादा इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश लो। नॉर्मल पैटर्न है, एसएससी के प्रीवियस में प्रैक्टिस करो, और एसएससी के साथ सबसे अच्छी खासियत है कि इंग्लिश के क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेड हो जाते हैं, 60-70% रिपीट हो जाते हैं, और आप बच्चों के नंबर भी देखोगे तो मैथ्स की अपेक्षा इंग्लिश में ज्यादा अच्छे नंबर होते हैं। तो आप अगर उसमें हो तो इंग्लिश भी लो, दोनों की क्लास आपकी करवाई जाएगी, इंग्लिश की भी करवाई जाएगी, हिंदी की भी करवाई जाएगी, बहुत प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी। बस एक चीज ध्यान रखना कि हिंदी में कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं होता, केवल आपका फिलर और उसमें थोड़ा बहुत संज्ञा और इसका विशेषण का आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी कोई ग्रामर, यहाँ पे संधि, समास और ये सब वर्णमाला, इससे क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, अंग्रेजी में कोई आपसे ग्रामर का बेकोर ग्रामर नहीं पूछेगा, केवल एरर डिटेक्शन में जो ग्रामर का प्रयोग होता है या ओमिशन में पूछता है, बस उतना ग्रामर का होता है। तो ये आपका, मैं आपको डिटेल भी बता दिया, पैटर्न भी बता दिया, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी बता दिया। आपको इतना बता दूं, इसके अतिरिक्त भी मैं एक वीडियो आपको पूरी स्ट्रेटजी पे अलग अलग सेक्शन के लेके आऊंगा। लेकिन एक बात समझो, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो टीम परीक्षा प्लस निःशुल्क आपको बैच लेके आ रही है, पूरा बहुत प्रॉपर तरीके से हम लोग परीक्षा प्लस ऐप पे पूरी थ्योरी को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे उसके प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इतना बेटा अगर कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि जितना भी आपका है बहुत बेहतरीन आपका स्कोर हो जाएगा और आपका 100% सिलेक्शन कराने की गारंटी हम लोग लेंगे। आगे अगर यहां पर थोड़ी चीज देख लो, कट ऑफ देख लो कितना जाता है, ये मार्किंग पैटर्न में आपको जैसे मैं बता दिया था कि यहां पर आया था पार्ट ए और पार्ट बी, तो यही पार्ट ए पार्ट बी है, जो बच्चे क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं तो उनका टैली किया जाता है। बाकी मेन मार्क से इससे मतलब है, आप कट ऑफ देख सकते हो, अनरिजल्ट एसएसएफ, मतलब कि सारे के सारे सीएपीएफ के सारी वैकेंसीज एक साथ लिया गया है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो 72 कट ऑफ, ये 25,000 टोटल वैकेंसी थी जनरल की गई थी। ये किसकी है, ये फीमेल की है, और अगर मेल की देखोगे तो 79, ये आप देख सकते हो कि 80 नंबर लगभग 79.61447 ये नंबर आपका गया है। तो 80 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, बाकी ये एज पे भी थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन वो जब कोई टाई कर जाता है तब की बात होती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी मोर देन सफिशियंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया, हाइट चेस्ट मैंने आपको बता दिया। एक चीज बहुत बेसिक जान के चलो कि जो बेसिक पे है इसमें स्टार्टिंग में ही 21,700 आपका बेसिक पे है, उसके बाद आपका 34% डीएनएस अलावेंस लगता है, बाकी 3-4% आपका जो डिफरेंट अलावेंसेस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस हो गया, सब कुछ हो गया है ना, ये सारे आपके अलावेंसेस लगने के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो मिनिमम 30,000 से 35,000 के बीच में आप जब ज्वाइन करने जाओगे तब आपको मिलता है। ठीक है, तो ये टोटल आप देखना कि इसका जॉब प्रोफाइल की भी वीडियो, प्रमोशन की भी वीडियो, क्या आप कर सकते हो, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सबकी वीडियो आपकी परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि समग्र जानकारी आपको यहां पर मिलती रहे। एक बात आप बिल्कुल ना भूलना कि सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दूसरी बात बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा जीडी का बैच है, जीडी का बैच आपके लिए पूरा पूर्णता है ना टोटली फ्री किया गया है। मैं आपको बता दूं, जहां पे क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से है टोटली फ्री है, एक एक क्लास आपको क्या मिलेगा,
फ्री मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। कहां पे चलेगा? तो परीक्षा प्लस ऐप पे चलेगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, परीक्षा प्लस स्पेलिंग आप ध्यान से देख लो, परीक्षा प्लस ऐप आज ही डाउनलोड करो, आज ही इंस्टॉल करो और आप अपनी तैयारी एकदम विधिवत तरीके से शुरू कर दो। कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं कि क्लासेस तो आपको मिलेंगे ही, क्लासेस क्या मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, लाइव का आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, है ना, आप उसे कितनी बार भी देख सकते हो, किसी भी क्वालिटी में देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगा, इसके बाद आपको टेस्ट भी इसमें मिलेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है कि जूम मीटिंग के थ्रू आपका डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा प्रॉपर रणनीति के साथ, समय समय पे कैसे आपको आगे बढ़ना है, सारी जानकारी आपको इस पूरे बैच में सम्मिलित किया जाएगा। तो बैच की भी जानकारी मैं अलग से बहुत प्रॉपरली तरीके से लेके आऊंगा। जिन बच्चों को कोई डिटेल पूछना है वो नीचे दिए हुए नंबर या फिर 9450006007 पे या फिर 9129697080 इस पे कॉल कर लीजिएगा और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो इस सेशन में इतना ही रखता हूं, उम्मीद है सेशन में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। इससे बेहतर भी वीडियो बनाएंगे और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी लेके आएंगे, जॉब प्रोफाइल के लेके आएंगे, प्रमोशन के लेके आएंगे, सारी की सारी। बाकी जो हमारी पढ़ाई होगी वो तो हम करेंगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को शुभरात्रि।